देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं ते इन 8 सालों में मोदी सरकार ने देश के हितों लिए जो जो काम किए हैं उन्होंने लोगों तक पहुँचाने लिए देश भर में भाजपा वालों इसे ही कड़ी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों जिला प्रधान सोनू रावलपिंडी और पांसटा मंडल भाजपा के प्रधान गगनदीप सोनी की अगवाई हेठ मोटरसाइकिल रैली कढ़ी गई। यह मोटरसाइकिल रैली नवी दाणा मंडी होशियारपुर रोड फगवाड़ा तो रवाना हुई तो वक्-वक् बाजारों विचों होंदी हुई वापस जनता की रसोई विखे समापत हुई। इस रैली दौरान वड्डी गिनती भी भाजपा यूथ आगुआ ने शमूलियत की। इस मौके गलबात करदे डॉक्टर साहिल कैंथ ने जिथे सारे ही नौजवानों का इस रैली में शामिल होने धन्यवाद किया उत्थे ही उन्होंने समूह देशवासियों मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने ते वधाइयां दित्तियां। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने अज युवा मोर्चा ने शहर मोदी सरकार की नीतियां पहुंचाने लिए साडे प्रधान सोनू रावलपिंडी जी की अध्यक्षता एक रैली कढ़ी है। अज का मकसद यह कि असी मोदी सरकार के किए हुए कामों को लोगों तक पहुँचाइए। जो मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनने तो बाद जन कल्याण के काम किए ने और निरंतर गरीबों की सेवा च जो काम किए हैं उन्होंने लोगों तक पहुँचाना सी चाहे वह गरीब आवास योजना होए चाहे वह फ्री सिलेंडर देने की स्कीम हो पंजाब के लिए खास करके जो करतारपुर साहब का लांघा खुलवाया जो बन अपने 84 के दंगों के पीड़ितों 30 साल बाद न्याय दवाया उस तो इलावा होर जिन्हिया भी स्कीम है मोदी साहब ने शुरू कीतिया ने उन्होंने लोगों तक पहुँचाने का साडा मकसद सी ते असी उम्मीद करते हैं अगे भी यह सरकार इदा ही लोगों के भलाई का काम करती रहेगी। 2024 असी फिर तो मोदी साहब के अध्यक्षता के नीचे सरकार बनावांगे। जय हिंद। इस दौरान भाजपा के सीनियर नेता राजीव पावा और गगनदीप सोनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 8 सालों में जो काम किए हैं वह शलाघाजोग ने। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वालों किए इन कामों को लोगों के घर घर तक पहुँचाने 31 मई तो 14 जून तक सेवा संसाशन से गरीब कल्याण फगवाड़ा तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने दसाया कि आने वाले समय में पंजाब भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। अब जो रैली कढ़ी गई है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वालों संबंध में 8 साल हो गए हैं BJP की सरकार हिंदुस्तान दे विच जो साढ़े श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने जो हिंदुस्तान दे विच स्टेटां दे विच वधिया उपराले किए आ जनता का बहुत भरमा हंगारा मिलिया क्योंकि वो उन्हां दियां जो उपलब्धियां वो सारे असीं लोगों जागरूक करा रहे हैं भी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश दे विच अपने किया जो भी है प्रोग्राम किए है वो तो जनता बहुत संतुष्ट आ और आने वाली सरकार मैं तो चाहना भी पंजाब के लोग जोड़े आ भी एक मौका भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए कि पंजाब का विकास हो सके तो पंजाब बाकी स्टेटा तो भी अगे जाए तो पहला भी अगे आता होर अगे बधे तो सानू खुशी होगी बहरले NRI वीर भी होर भी सारे भारतीय जनता पार्टी के इस कामों को खुश आ और मैं लगता भी आने वाले समय के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नाम बनी सरकार के 8 साल पूरे होने के सारे हिंदुस्तान के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा जोड़ा कि 31 मई तो शुरू होकर 14 जून तक चलेगा। ये वक् मोर्चिया का ने अपने अपने कार्यक्रम राही जन संपर्क करके मोदी साहब की जन 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 हितैषी नीतियां का संदेश सब तक पहुँचाया। उस ही कड़ी के अज भारतीय जनता पार्टी जिला कपूरथला दे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कपूरथला वालों अज एक मोटरसाइकिल रैली जन जो कि जन संपर्क अभियान के तहत कढ़ी गई जिस दे विच मोदी सरकार दियां पिछलियां उपलब्धियां जिस तरह के मोदी साहब ने करतारपुर कोरीडोर खोलिया ते सिखां दे लई काली सूची जिहड़ी सीगी उहदे विचों सिखां दे नाम बाहर कढे 3 दशकां तों भी चली आ रही दंगा पीड़ियां नूं न्याय दिलाया गया। गुरु तेग बहादुर जी दा 400वां महा प्रकाश पर्व पहली बार लाल किले दे विच बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया अते जल्लियांवाले बाग दा नवीनीकरण किया गया ते होर बहुत वड्डियां जिहड़ियां जन कल्याण योजनावां मोदी सरकार ने पिछले 8 सालां दे विच लै के आईयां उन्हां नूं जन जन तक असीं पहुँचा रहे हां और मोदी सरकार दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदे हां और आशा करदे हां कि आने वाले समय दे विच इसे तरह ही मोदी सरकार भारत दे लोगां लई और इहनूं इस दे भारत दे परचम नूं सारे विश्व दे विच चंगी तरह पहुँचाण लई महाशक्ति बनाने लई इसे तरह कार्य करती रहेगी और जनता का सहयोग सानू मिलता रहेगा।